मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनावी रणनीति साधने के लिए राजधानी भोपाल में बीजेपी की दो दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजन की गई, जबकि आज कोर ग्रुप की बैठक आयोजित हुई है। बीजेपी इस बैठक के जरिए चुनावी प्लान पर विचार विमर्श करने की तैयारी में है। प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटिक, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को बैठक में आमंत्रित किया गया। बैठक में बड़े नामों के अलावा उन विधानसभा के प्रभारियों को बुलाया गया जिन विधानसभा पर साल 2018 में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे 103 विधानसभा प्रभारियों को बुलाकर आगामी चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कार्य समिति की बैठक में विकास यात्रा और जिले के कामकाज की समीक्षा और संगठन के कामों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया कई मायनों में अहम है, क्योंकि इस बैठक में 103 विधानसभा के प्रभारी पहुंचे थे। ये सभी उन विधानसभा के प्रभारी हैं जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत हुई थी और सिंधिया उस वक्त कांग्रेस में ही थे, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उनका संपर्क इन प्रभारियों से होना आवश्यक था। दूसरी तरफ ये है कि सिंधिया को बीजेपी में आए अभी 3 साल ही हुए हैं, ऐसे में अब तक पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संपर्क नहीं बना था, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस मीटिंग के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में सिंधिया की मौजूदगी का असर दिखेगा।